अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, सबको मेरी नमस्ते। एंड आई होप आप सभी लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अपना जो आने वाला हमारा एग्ज़ाम है PGT फिजिकल एजुकेशन, उसकी तैयारी में जुटे हुए होंगे। तो दोस्तों, हम उसी की तैयारी से जुड़ते हुए आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यहाँ से जनरली 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस तो कितने भी बन सकते हैं दोस्तों किसी भी टॉपिक से। मेन बात होती है कि किसी भी चीज़ के, किसी भी टॉपिक के पीछे की कॉन्सेप्ट की बात करना। तो हम सत्या फिजिकल एजुकेशन ऑन स्टूडेंट्स डिमांड, हम आप लोगों के लिए आज का जो टॉपिक है दैट इज़ स्पिन, वो आपके लिए लेके आए हैं, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे कि स्पिन होती क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउ इट वर्क्स, ये वर्क कैसे करती है, राइट। और आपको भी पता है कि दिस इज द टॉपिक फ्रॉम स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। सो चलते हैं दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, सो दैट आपको लेटेस्ट टू लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों, बात करते हैं हम अपने आज के टॉपिक की और चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने ये शब्द बहुत बार सुना होगा, स्पिन, स्पिन मतलब कि किसी भी चीज़ का किसी एक ध्रुव पे घूमना, दैट मीन्स समथिंग इज टर्निंग अराउंड एन एक्सेस। तो स्पिन इज समथिंग लाइक दैट। एंड आपने इस वर्ड को बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे लोग क्रिकेट में ये वाली स्पिन दे दो, ऑफ स्पिन, ठीक है, ये वाली टर्निंग, बेसिकली हम इस टर्म को अगर बात करें तो बॉल को टर्न करना, राइट। और ये हर जगह यूज होता है, इट्स नॉट ओनली सिंगल क्रिकेट, इट इज़ यूज्ड इन फुटबॉल, फुटबॉल में यूज होता है, वेयर एज इट इज़ यूज्ड इन टीटी, इट इज़ यूज्ड इन बिलियर्ड्स एंड स्नूकर हिटिंग के टाइम पे, टेनिस में यूज होता है। तो दिस इज वन ऑफ द दैट एस्पेक्ट विच टोटली टर्न्स द गेम, राइट। तो इसकी इम्प्लीकेशंस जाननी बहुत ही ज़रूरी है, एंड हाउ इट अफेक्ट्स द स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में कैसे इफेक्ट करता है, एंड द इंडिविजुअल हु हैज़ दिस कैपेसिटी, जिस व्यक्ति के पास इसकी कलाकारी है, स्पिन करने की कलाकारी है, वो तो हमेशा शाइन ही करता है, राइट। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, स्पिन के बारे में, स्पिन के टाइप्स के बारे में। तो दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स विच यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर, राइट। अभी तक की मैंने नहीं देखा है कि किसी भी फिजिकल एजुकेशन वाले इंडिविजुअल ने या किसी ने भी इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर टॉपिक बनाया हो। तो हम आपके लिए बहुत ही एक्सक्लूसिव और स्पेशली ऑन डिमांड ऑफ आर स्टूडेंट्स वी हैव ब्रॉट दिस टॉपिक टू यू। सो लेट्स स्टार्ट विद स्पिन। सो सबसे पहले बात करते हैं स्पिन होता क्या है। स्पिन इज समथिंग, स्पिनिंग इज बेसिकली किसी चीज के एक्सिस के इर्द गिर्द घूमना, राइट। सो एक्सिस के इर्द गिर्द घूमना इज कॉल्ड स्पिन। जैसे कि आइस स्केटिंग में जो स्पिन करते हैं, राइट, तो दैट इज कॉल्ड स्पिन। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, वो एक ही उस पर घूमता रहता है, एक ही एक्सिस के इर्द गिर्द घूमता रहता है, एंड वो एक्सिस क्या है, वो थ्रू द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट पास होती है। दोस्तों, स्पिन इज क्रिएटेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स दैट इज ऑफ सेंटर टू द ऑब्जेक्ट बीइंग थ्रोन। बोलता है कि वैसे तो रोटेट होती है ये सेंटर ऑफ एक्सिस के, लेकिन हम स्पिन क्रिएट करते हैं जब हम फोर्स को बाहरी ओर से लगाएं। दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट ये है और ये उसका सेंटर है, तो इंस्टेड ऑफ यहाँ की बजाय मैं उसकी फोर्स लगाऊंगी यहाँ से, सो दैट वो बॉल इधर मूव कर जाए, या मैं फोर्स लगाऊंगी इधर से ताकि वो बॉल इधर मूव कर जाए, राइट। तो इसमें एंगल ऑफ इम्प्लीकेशन, IMPLICATION, इम्प्लीकेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। दैट मीन्स आपने किस एंगल से उस पर्टिकुलर बॉल को हिट किया है, राइट। तो इसके इफेक्ट्स भी अलग अलग होते हैं, एंड यू नो दीज इफेक्ट्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड थ्रोइंग इवेंट्स, राइट। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट इस स्पिन के अंदर कुछ पर्टिकुलर एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। ये मैग्नस, अब बोलेंगे मैग्नस इफेक्ट क्या है, अभी हम पढ़ते हैं। मैग्नस इफेक्ट इज समहाउ द सेम एज द बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल पे बिल्कुल ये काम करता है। अब आप बर्नौली प्रिंसिपल के लिए मैं बता सकती हूँ, बर्नौली प्रिंसिपल में हम पढ़ते हैं कि हाउ एरोप्लेन फ्लाई या लिफ्ट कैसे चलता है। सो मैग्नस इफेक्ट भी समथिंग लाइक द सेम, नॉट एग्जैक्टली, बट इसमें हम मैग्नस इफेक्ट को पढ़ते हैं। दोस्तों, स्पिनिंग एक ऐसी चीज है, लेट अस अज्यूम दिस बॉल इज वन, दिस इज अ बॉल, राइट, एंड मेरे को स्पिन करनी है, तो मैं इसको यहाँ से टच फोर्स का जो है वो लगाऊंगी, तो ये बॉल इस तरफ रोटेट करेगी, राइट। तो कह रहा है स्पिनिंग ऑब्जेक्ट, जो स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक जनरेट करती हैं लिफ्ट,
दोस्तों देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, दैट इज वन इज लिफ्ट फोर्सेस एंड दूसरी इज ड्रैग फोर्सेस. लिफ्ट फोर्सेस जनरली लिफ्ट्स द ऑब्जेक्ट अप, जो कि किसी चीज को, लाइकवाइज वी थ्रो द जेवलिन, सो इफ देर विल बी अ लिफ्ट फोर्स द जेवलिन गो अप एंड अप, अप एंड अप, दैट मीन्स द लिफ्ट फोर्स इज पुलिंग इट अपवर्ड, राइट. वेयर ड्रैग फोर्स इज द ड्रैगिंग, जो कि उसको किसी चीज को पीछे खींचती है. हम बोलते हैं किसी ने ड्रॉअर को ड्रैग कर लो, इसको खींच लो, ड्रैग द बैग, राइट. तो मतलब कि पीछे खींचना, तो ये होती है परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए. लिफ्ट फोर्स इज बेसिकली टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस, और मैं कह सकती हूँ टू इंक्रीज द डिस्टेंस. कि कोई चीज मैंने थ्रो की, मैंने यहाँ से थ्रो की, और अगर वहां पे लिफ्ट फोर्स लग रही है तो वो चीज और ऊपर जाएगी, राइट. सेम चीज मैंने कोई थ्रो की और अगर वहां पे ड्रैग फोर्स ज्यादा है तो वो चीज यहीं से नीचे आ जाएगी. ऑब्वियसली हमारा काम है डिस्टेंस कवर करना, सो लिफ्ट फोर्स ऑलवेज हेल्प्स एंड इट इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस, वेयर एज ड्रैग इज द फोर्स विच पुल्स एनीथिंग बैक. नाउ इस मैग्नस इफेक्ट के बारे में बात करते हैं. अब पहले तो लगती है मैग्नस फोर्स. देखो कोई भी पर्टिकुलर वस्तु है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर अपने आप ही एक ऐसी फोर्स जनरेट हो जाती है स्पिनिंग जब हम उसको करते हैं, कि वो अपने आप डिफ्लेक्ट हो जाती है, मार्ग से भटक जाती है. जैसे कि मैंने कोई बॉल की, आप देखते हैं क्रिकेट में जब वो दिखाते हैं तो वो बॉल विकेट्स में जाने की बजाय वो बाहर चली गई, राइट. सो दिस इज व्हाट दिस इज, जब हमने बॉल को स्पिन किया तो उसमें एक ऐसी फोर्स जनरेट हुई जिसने उसके नॉर्मल मार्ग को, ये ऐसे जानी थी बट ये ऐसे चली गई, राइट. इसने अपने नॉर्मल मार्ग से इस चीज को भटका दिया, ठीक है. और ये हम जब भी क्रिएट होती है, जब हम किसी चीज को स्पिन देते हैं, अनटिल अनलेस उसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहती है. इट इज क्लियरली रिटन दैट इट इज द फोर्स जनरेटेड, एक ऐसी तरीके की फोर्स है जो जनरेट होती है इन स्पिनिंग पाथ इज डिफ्लेक्टेड, जिससे कि स्पिनिंग पाथ है जो उसका रास्ता है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है इन अ मैनर, इस मैनर में कि वो पर्टिकुलर उस चीज में प्रेजेंट नहीं रहती है. वेयर एज मैग्नस इफेक्ट, मैग्नस इफेक्ट इज द सेम, जब मैग्नस फोर्स क्रिएट हो जाती है तब इट द विच द इफेक्ट कम्स इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट. मैग्नस फोर्स को क्रिएट होने के बाद जो इफेक्ट उस ऑब्जेक्ट पे आता है दैट इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट. अब इस मैग्नस इफेक्ट क्या कह रहा है, इट इज द इफेक्ट, एक ऐसा इफेक्ट है इन विच, इन जिसके अंदर अ स्पिनिंग बॉल, मतलब स्पिन करती हुई बॉल, मतलब कोई भी स्पिन है करती हुई बॉल और अ बॉडी या कोई भी बॉडी है, कर्व्स अवे, कर्व्स अवे मतलब मुड़ जाती है, कर्व मतलब कि टर्न हो जाती है अवे फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल पाथ. कोई बॉल थी ऐसे करके ऐसे जानी थी, लेकिन ये बॉल ऐसे करके ये चली गई, भटक गई, जाना ऐसे था लेकिन इसने ये रास्ता अपना लिया, राइट. सो दिस इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट. और ये क्यों होता है, क्योंकि हम उस ऑब्जेक्ट को स्पिन दे देते हैं और स्पिन से एक ऐसी तरीके की फोर्स जनरेट होती है जो उसको इंटरनली, उसका मार्ग, उसको मेन, उसके पाथ से हटा देती है, डिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है दोस्तों. तो ये हर ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट होती है और इसी क्रिएटिंग के कारण, इसी इसी चीज को क्रिएट होने के कारण देर आर फ्यू थिंग्स जो कि इफेक्ट करती हैं. जैसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिबाउंड, वो सब, वो हम धीरे धीरे देखो आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ स्पिन. दोस्तों हमारे पास दो, जनरली हम टॉप पर पढ़ते हैं कि हमारे पास चार टाइप की स्पिन होती है, राइट. एक तो स्पिन होती है हमारी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब कि कोई ऐसे स्पिन जा रही है. एक है वर्टिकल दोस्तों, ये वाली. तो अगर मेरे फ्रेंड्स, अगर ये बॉल है और अगर इसको बॉल पे ऐसी कोई हॉरिजॉन्टल स्पिन जा रही है तो बॉल क्या होगी, ऐसे चलने लग जाएगी, राइट. और ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब कोई भी चीज टॉप से हिट करती है, इट इज दैट फोर्स विच इज हिटन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉल, या सेंटर ऑफ मास के ऊपर से जब हिट करते हैं तो देयर इज अ डायरेक्शन कॉल्ड क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होती है इसको बोलते हैं दोस्तों टॉप स्पिन. अगर यही चीज मैं अगर नीचे से हिट करूं बॉल को, दिस बॉल मूव्स इन दिस डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज विच इज कॉल्ड बैक स्पिन, राइट. अब सेम ही एक ऐसी बॉल है, ये एंगल वर्टिकल है, राइट. अगर मैं इस बॉल को ऐसे हिट करूंगी तो बॉल विल मूव दिस साइड, इफ आई दिस विल बी द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से हिट करूंगी बॉल विल मूव टू राइट. वेर एज अगर ये बॉल है
और मैं इसको यहां से हिट करती हूँ, दिस विल बी द राइट, बॉल विल गो टू द लेफ्ट साइड। ठीक है दोस्तों, तो वर्टिकल एक्सिस में साइड वर्ड मूवमेंट होता है, और इसमें भी पर्टिकुलर कौन सा, लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड। वेयर एज इन द टॉप स्पिन देर आर टू टाइप्स, टॉप में टॉप से बात जाती है तो देर इज क्लॉक वाइज, ठीक है, मूवमेंट। वेयर एज बैक से जा रही है तो देर विल बी अ एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एंड हैंस इट इज कॉल्ड बैक स्पिन। सो देर आर वी स्टडीड देर आर फोर टाइप्स ऑफ स्पिन। नाउ गोइंग ऑन दो स्पिन्स individually, let's discuss. See, this is in better perspective. We have just shown the video, we have just shown the picture. Like top spin is what, this ball, this, if we apply the force this way, the ball turns this way, right? Ye ball turn this way, ye ball is tarike se turn ho jayegi, and this movement will be called as clockwise. Velocity means the direction of movement. हमने बॉल यहाँ से फेंकी है, इस साइड से फेंकी है, तो कह रहा है इस तरफ वेलोसिटी है। सो मैं कह सकती हूँ कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि मोशन ये है कि यहाँ से इस साइड से बॉल फेंकी गई है। वेयर एज सेम इट इज इफ वी कम अप विद बैक स्पिन, बैक स्पिन में हमारा मूवमेंट उल्टा हो जाएगा, विच इज कॉल्ड एंटी क्लॉक वाइज। सो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कौन से में किया जाता है। सो मैं कौन से में कौन सा तरीके का मूवमेंट होता है, राइट? टॉप स्पिन इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड स्पिन, आगे की ओर जा रही है, राइट? एंड वेलोसिटी आप समझ गए हैं। लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट, एक्सप्लेनिंग वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पिन के टाइप्स की। टॉप स्पिन क्या है? अभी ये देखो मेरे माय डियर फ्रेंड्स, ये कोई बॉल है, एक्सेंट्रिक फोर्स। एक्सेंट्रिक फोर्स होता है, एक्सेंट्रिक फोर्स मतलब फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर। एक्सेंट्रिक फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर। ये फोर्स थी, इस सेंटर से दूर फोर्स लगाई गई है, एक्सेंट्रिक फोर्स लगाई गई है, अप्लाइड अबाउ द सेंटर ऑफ मास। अगर हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो देयर विल बी अ फॉरवर्ड मूवमेंट विच इज कॉल्ड क्लॉकवाइज, एंड दिस इज कॉल्ड टॉप स्पिन। आई होप आप ये समझ गए होंगे। वेयर एज अगर कोई बॉल है एंड उसको सेंटर ऑफ मास के, या सेंटर ऑफ मास के एक्सेंट्रिक लगाई जाती है, नीचे से कोई फोर्स लगाई जाती है, बॉल विल मूव इन दिस डायरेक्शन, एंड हैंस इट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज, राइट? देयर विल बी अ बैकवर्ड मूवमेंट, दिस इज क्लियरली रिटन इन आवर स्लाइड्स। नाउ मूविंग टू द साइडवर्ड स्पिन। दोस्तों साइडवर्ड स्पिन को साइडवर्ड स्पिन हुक भी बोला जाता है। अब वो हुक क्या है, अभी ध्यान से देखिए। ये दो बॉल्स मैंने आपको बताई थी, ये बॉल है, लेट अस अज्यूम दिस इज एन ऑब्जेक्ट हैविंग सेंटर ऑफ मास इन बिटवीन। इन हुक एक्सेंट्रिक फोर्स अप्लाइड राइट टू द सेंटर, सेंटर ये है, राइट में अप्लाई की जाती है, तो बॉल विल मूव टू द लेफ्ट, एग्जैक्टली स्पिन। इसके बहुत अच्छे से एग्जाम्पल आई विल शो यू इन द वीडियो, कीप वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट इज साइडवर्ड स्पिन, जिसको हम बोलते हैं स्लाइस। इसके अंदर क्या होता है, हम लेफ्ट साइड से फोर्स लगाते हैं एंड बॉल विल टर्न टू द राइट। तो आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। टॉप स्पिन में कहाँ से फोर्स लगाई जाती है, इट इज फ्रॉम सेंटर ऑफ मास के ऊपर से, अवे फ्रॉम द सेंटर हम हमेशा लगाते हैं, तभी स्पिन क्रिएट होता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, यू कैन इजिली सी दिस वीडियो that top spin, in this eccentric force is applied away from the center and spin movement towards downward, right? Spin movement downward ki taraf hota hai. So this is called what? Top spin. Now I'll be showing you a video. Keep it clear. Keep my instructions very clear. I have made this for you all so that you will be able to understand, right? Isko aap aram se samajhiyega, dhyan rakhiyega, jaise jaise ye spin hai, मैं इसके बिल्कुल क्लियर नेक्स्ट चलते जाएंगे हम लोग, राइट? अभी मैं आपको दिखाती हूँ, लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग। यू विल बी वॉचिंग द टॉप स्पिन, आप दिख रहा होगा आपको एक टॉप स्पिन है, एक बॉल है अंदर, ऑब्जेक्ट है, एंड उसका डायरेक्शन मैंने बहुत अच्छे से दिखाया है, दैट इज येलो कलर्ड थिंग, ठीक है? अभी दिस इज कॉल्ड टॉप स्पिन, अभी ये अभी रोटेट होगा, तो आप इजीली देख सकते हैं कि ये रोटेट
दिस विल बी द टॉप स्पिन. तो इसका रोटेशन या मूवमेंट रोटेशन कैसे होगा, यू आर वॉचिंग राइट. सो ये इसका मूवमेंट ऑफ रोटेशन होगा. नाउ एज इट इज टोटली मेंशन दैट नीचे से डायरेक्शन ऑफ मोशन है. डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब है कि कोई भी चीज डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब इस तरफ से फेंकी गई है ये. अब जब इस तरफ से फेंकी गई है तो एयर रेजिस्टेंस विल कम फ्रॉम द ऑपोजिट साइड राइट. आप देख पा रहे होंगे ये ऑपोजिट साइड से एयर रेजिस्टेंस आ रहा है. तो अब ये एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा, ये जो रोटेशन है इसको डिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा, किधर से सपोर्ट करेगा. तो जैसे ये सामने से एयर आई राइट, देयर विल बी फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन दिस. ये देखिए घूम रहा है एंड जैसे ही आएगा, नाउ व्हाट इंपैक्ट विल बी हैव ऑन द वेलोसिटी ऑफ एयर फ्लो. ए और बी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, देखो दोस्तों यहाँ पे ऊपर वाली जो रो है ये इनको डायरेक्ट हिट कर रही है. डायरेक्ट हिट का मतलब है कि कोई चीज डायरेक्ट हिट कर रही है उसको. फ्रंट से कोई चीज अगर डायरेक्ट हिट करेगी, ये डायरेक्ट हिट करेगी तो क्या होगा, देर विल बी मोर वॉट, देर विल बी मोर रेजिस्टेंस, अपोज होगा मोशन. टॉप से अपोज होगा मोशन राइट, अपोज होगा मोशन ए पार्ट पे. वेयर एज अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं नीचे, अभी आएंगे, तो क्या होगा, द अपर सरफेस ऑफ द प्रोजेक्टाइल, अपर सरफेस ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जो अपर सरफेस है प्रोजेक्टाइल का वो रोटेट होगा टूवर्ड्स द ऑनकमिंग एयर फ्लो. एयर फ्लो जो आ रही है इसकी तरफ घूमेगा, और जब घूमेगा तो यहाँ पे टकराव होगा. टकराव होगा तो अपोज होगा मोशन. ऑल्सो जैसे ही अपोज होगा मोशन, इसका मतलब एयर जो आई है उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी. ऑब्वियसली टकराई है तो कोई चीज कम होगी. सो दिस विल डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एयर फ्लो. वेरी क्लियर. जब एयर फ्लो की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी दोस्तों, तो इसी टॉप पार्ट पे व्हाट हैपन, इसी टॉप पार्ट पे देयर विल बी मोर एयर पार्टिकल्स. इफ देयर विल बी मोर एयर पार्टिकल्स सो देयर विल बी हाई प्रेशर. ऊपर क्या क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा राइट. सो हाई प्रेशर क्रिएट होने से, ये तो था हमारा ए पार्ट का, हाई प्रेशर लो वेलोसिटी. क्लियर मेरी बात. अब पॉइंट बी पे क्या होगा, नाउ वी आर कमिंग टू दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे क्या होगा, बी पॉइंट पे क्या, ऑब्वियसली दिस एयर इज हेल्पिंग दिस बॉडी. तो यहाँ पे क्या होगी, जो अपोज मोशन हो रहा था यहाँ पे क्या होगा, सपोर्ट करेगा. कोई भी चीज क्या करेगा, सपोर्ट करेगा. ये देखिए द लोअर सरफेस ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द एयर फ्लो. एयर फ्लो के डायरेक्शन में ही वो रोटेट कर रहा है. सो वॉट दिस विल डू, दिस विल इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एयर फ्लो. एयर जो आ रही है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी देयर विल बी लेस पार्टिकल्स आउट एंड हैंस देयर विल बी लो प्रेशर विल बी क्रिएटेड. लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा एंड इट इज द लॉ ऑफ नेचर. इट इज द लॉ ऑफ नेचर विच यू हैव स्टडीड दैट द हाई प्रेशर राइट, हाई प्रेशर ट्रेवल्स फ्रॉम हाई टू लो. द प्रेशर ट्रेवल्स फ्रॉम हाई टू लो. सो एट ए पार्ट देर वॉज लो वेलोसिटी हाई प्रेशर एंड एट बी वॉज देर वॉज हाई वेलोसिटी एंड लो प्रेशर लाइक राइट. तो वॉट दिस विल डू, दिस हाई प्रेशर विल ट्रेवल टू द लो प्रेशर. देखिए ध्यान से रिमेंबर, ये तो हर एक गैस का लॉ है कि जब भी कोई हाई प्रेशर और कोई लो प्रेशर की तरफ जाता है, हाई से प्रेशर लो की तरफ ही जाता है. तो इसकी जो मैग्नस फोर्स है, वो मैग्नस फोर्स कैसे आ जाएगी, डाउनवर्ड आ जाएगी. मैग्नस फोर्स डाउनवर्ड आ गई, डाउनवर्ड आने से क्या होगा, इसका वेट भी डाउनवर्ड आ जाएगा राइट. डाउनवर्ड क्योंकि इस डायरेक्शन में गई है नीचे, क्योंकि इसका क्या है, ऊपर हाई प्रेशर है नीचे लो प्रेशर है, तो ऑब्वियसली वो बॉल क्या आएगी, ऊपर से नीचे डिप कर जाएगी. क्योंकि इसमें जो प्रेशर क्रिएट है, प्रेशर व्हाट विल डू इज इट विल ब्रिंग इट डाउन राइट. ये बॉल का मूवमेंट ही इस तरीके से हो जाएगा राइट. तो दिस डाउनवर्ड मैग्नस फोर्स है इस बॉल के वेट के साथ जुड़ जाएगी एंड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज इंक्रीज. और ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. इसका मतलब यह है कि मैग्नस फोर्स भी है नीचे और वेट भी आ गया दोस्तों. वेट और मैग्नस फोर्स होने की वजह से दिस विल व्हाट हैपन दैट, अगर ये टॉप स्पिन में ये देखे ध्यान से, ये बॉल गई तो है लेकिन फोर्स ज्यादा होने की वजह से दिस विल ब्रिंग इट डाउन, एकदम नीचे आ जाएगी. और अगर यहाँ पे टॉप स्पिन नहीं होता तो दोस्तों देखो इसका फ्लो ऑफ मूवमेंट क्या होता, इसका फ्लो ऑफ मूवमेंट नॉर्मल नॉर्मल होता. इसका मतलब टॉप स्पिन में ये देखिए, नो स्पिन अगर होती तो इस तरीके से बॉल ट्रेवल करती, वेर एज अगर यहाँ पे टॉप स्पिन है
तो वो बॉल बाउंस तो ज्यादा हुई है, बाउंस हुई है, हाइट में गई है, लेकिन जल्दी डिप हो गई। एंड यही हम टॉप स्पिन में पढ़ते हैं, दैट टॉप स्पिन की क्या क्या खासियत है, दैट आई विल मेक यू राइट राइट। तो आई होप ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा, दिस इज टॉप स्पिन एंड बैक स्पिन। नाउ कमिंग टू द वीडियो, आर वीडियो राइट। तो मैं आपको कुछ फीचर्स लिखवा रही हूँ इसके, जस्ट राइट इट क्लियरली। आई होप ये चीज बहुत समझ में आ गई होगी, जस्ट कट इट डाउन। दैट व्हेन देयर इज टॉप स्पिन, व्हेन देयर इज टॉप स्पिन, व्हाट हैपेंस, देयर इज लो एंगल ऑफ रिबाउंड। अभी बहुत लोगों के तो ये समझ में नहीं आएगा कि रिबाउंड क्या हो गया, राइट। ऑल्सो देयर विल बी हायर रिबाउंड, हायर रिबाउंड। रिबाउंड करने का मतलब आपने देखा कोई चीज ऐसे करके ऐसे है, और अगर उसका मोशन होता तो ऐसे होता, राइट। तो दिस इज कॉल्ड हायर रिबाउंड। ये हायर गई तो है, हाइट में गई तो है, लेकिन इसका एंगल कम है, लो एंगल ऑफ रिबाउंड, रिबाउंड का एंगल कम है। मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी ये चीज कि हाउ इट वर्कड, राइट। ऑल्सो देयर विल बी अ लॉन्गर बाउंस, लॉन्गर बाउंस होगा यहाँ पे बाउंस। ऑल्सो देयर विल बी मोर रोल, मोर रोल दैट मीन्स आई कैन से देयर विल बी मोर स्पीड ऑफ द बॉल, स्पीड ऑफ बॉल। ज्यादा स्पीड होने की वजह से ओपोनेंट फाइंड लेस टाइम टू रिवर्ट एंड हैंस ही विल विन। नाउ लेट अस अज्यूम, बहुत अच्छे से समझाती हूँ आपको, और भी इसका एक और फैक्टर होता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिबाउंड के एंगल से। लेट अस अज्यूम दिस इज द बॉल एंड इस पे टॉप स्पिन थी, आई हैव रिटन दिस टॉप स्पिन, यहाँ पे टॉप स्पिन थी, ठीक है। टॉप स्पिन से ये बॉल ऐसे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, एंड नाउ द बॉल वॉज कमिंग ऑन द सरफेस। जैसे ये यहाँ सरफेस पे आई, इस बॉल की पोजिशन क्या हो, ऑब्वियसली इसी तरीके से रोटेट कर रही होगी। अब एक चीज बताओ, कोई बॉल ऐसे घूमते हुए आई है सरफेस पे, तो ऑब्वियसली अगर इसका डायरेक्शन ये है तो कोशिश है तो ये बॉल इस तरफ ही जाएगी। इधर तो क्या हो गया, मोशन हो गया, हमने फेंकी है बॉल, और इधर ऑब्वियसली क्योंकि इसका मूवमेंट इस तरफ है तो इस तरफ जाएगी। बट व्हाट विल हैपन, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, व्हाट दैट इफ द मूवमेंट इज दिस साइड, बॉल इस तरफ आती है, देयर विल बी रेजिस्टेंस फोर्स, रेजिस्टेंस होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कह लो, रेजिस्टेंस फोर्स कह लो, फ्रिक्शन कह लो, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, एंड फ्रिक्शन विल बी ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इसका तो पाथ अभी क्या था, मैं आपको बताती हूँ, इसका पाथ था जिस एंगल से आई है उस एंगल से चली जाए, राइट। मैं इसको बहुत अलग कलर से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट इट विल बी क्लियर। एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू, होना तो ये था, लेकिन रेजिस्टेंस ने क्या किया, रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में लगा। जब रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में लगा तो हुआ क्या कि रेजिस्टेंस ने इसको डाउनवर्ड खींच लिया अपने, और ये एंगल क्या आ गया, ये आ गया। तो एंगल ऑफ, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज दिस, इस एंगल से इंसिडेंट हुआ था, सॉरी दिस वाज मिस्टेकन, एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज दिस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये। तो एंगल ज्यादा था यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या है, एंगल कम, जस्ट बिकॉज रेजिस्टेंस इज एक्टिंग इन दिस वे, सो इसलिए ये आता है लो एंगल ऑफ रिबाउंड। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, यही आता है, और इसीलिए क्या है कि टॉप स्पिन में बॉल रिबाउंड हाइट तो पे जाती है, लेकिन देर विल बी लो एंगल ऑफ रिबाउंड, लॉन्गर बाउंस भी होगा, स्पीड भी बढ़ेगी। तो आई होप इसके पीछे के आप सारे रीजन समझ गए हैं, ठीक है, एंड होप दिस विल बी क्लियर टू यू ऑल। दोस्तों अगर आपको समझ आया हो तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, क्योंकि वी हैव कम विद दिस अमेजिंग टॉपिक इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, विच विल बी ऑल्सो बी बेनिफिशियल इन नेट यूजीसी जीआरएफ, राइट। नाउ वी आर कमिंग टू बैक स्पिन, नाउ हम बात करते हैं बैक स्पिन की, बैक स्पिन होता क्या है। मैंने जैसे कि बताया
कि बैक स्पिन इज दिस बॉल, दिस इज द बॉल एंड बैक स्पिन है तो देयर विल बी मूवमेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। आई होप एंटी क्लॉकवाइज आप समझ जाओगे। और बैक मीन्स मतलब मैंने यहाँ से कोई लगाया तो बॉल इज रोटेटिंग दिस साइड, बॉल इज रोटेटिंग दिस साइड, राइट, बॉल इज रोटेटिंग दिस साइड। अब इसमें भी आप समझ ही गए होंगे होगा क्या कि बॉल का मूवमेंट डायरेक्शन क्या है, बॉल का मूवमेंट डायरेक्शन मोशन ये है, ठीक है। अब होगा क्या कि जब कोई बॉल है, ये बॉल है, मोशन ऑफ डायरेक्शन ये है, एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। एयर रेजिस्टेंस यहां से है, देयर विल बी ए एंड देयर विल बी बी, ऐसे ही सेम पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे। यहां पे ए में क्या होगा, ए में ये होगा दोस्तों, ए में ये होगा कि यहां पे ये एयर, एयर वेलोसिटी विल बी मोर, मोर व्हाई, बिकॉज एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए एयर वेलोसिटी इज इन द सेम डायरेक्शन, इज इन द सेम डायरेक्शन, इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के फ्लो में है। तो यहां पे ये सेम डायरेक्शन में है तो यहां पे देयर विल बी लेस एयर पार्टिकल्स। तो होगा क्या, दिस विल रिजल्ट, दिस विल रिजल्ट इन लेस एयर पार्टिकल्स, हेंस हेंस देयर विल बी हाई, देयर विल बी लो प्रेशर, देयर विल बी नॉट हाई, देयर विल बी लो प्रेशर, there will be low pressure, low pressure होगा यहाँ पे A point पे। और totally इसका opposite क्या है, यहाँ पे होगा air velocity कम होगी, कम होने की वजह से more particles, कम क्यों होगी, क्योंकि air and object movement are in opposite direction, are in ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो ये होगी, मोर पार्टिकल्स होंगे तो देयर विल बी हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। सो दोस्तों हाई प्रेशर होगा तो ये एयर किस तरफ मूव कर जाएगी, अपवर्ड मूव कर जाएगी। दैट मीन्स इसका मैग्नस फोर्स किस तरफ जाएगा, अपवर्ड जाएगा। मैग्नस फोर्स कहाँ जाएगा इस ऑब्जेक्ट का, अपवर्ड जाएगा, तो अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड मैग्नस, मैग्नस का मतलब कि अपवर्ड मैग्नस फोर्स क्रिएट होगी तो ये बॉडी क्या होगी, लिफ्ट होगी। और इसका वेट, वेट तो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से कहाँ जाएगा, वेट तो इसका हमेशा नीचे आएगा ग्रेविटी की वजह से, राइट। और ये आएगा और मूवमेंट बैक है तो मूवमेंट बैक होने की वजह से क्या होगा, दैट दिस ऑब्जेक्ट विल लिफ्ट अप। ये मतलब डिस्टेंस ट्रेवल तो करेगी लेकिन कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, राइट। तो आई होप आ गया होगा, लेस बाउंस होगा इसका, बाउंस कम होगा क्योंकि उसने ये अपवर्ड फोर्स ने क्या किया, इसको लिफ्ट कर लिया, तो मूवमेंट अपवर्ड नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा, राइट। तो इन दिस देयर विल बी अ लेस बाउंस इन बैक स्पिन, लेस स्पीड, लेस स्पीड, less higher angle of rebound, higher angle of rebound, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होंगी बैक स्पिन के अंदर। आई होप आपको ये बैक स्पिन समझ आ गया हो, राइट। तो ऐसे काम करता है दोस्तों ये बैक स्पिन, राइट। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखा रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पिन जो हमारा आ रहा है, स्पिन का जो वर्टिकल वाला पार्ट था, वर्टिकल पार्ट, दैट इज हुक एंड स्लाइस, वो बता रहा है। ये देखिए ये सर्कल है, राइट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन। ये देखिए ये बॉल है, ये बॉल के यहां से लगाया, लगाया तो ये मूवमेंट इस तरफ हो गया, मूवमेंट इस तरफ हो गया तो क्या हुआ, तो मूवमेंट इधर की तरफ टर्न हो जाएगी, बॉल टू द लेफ्ट, वेयर एज इन दिस बॉल विल टर्न टू द राइट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। एंड ये होता क्या है हमारी जनरली गोल्फ वगैरह में,
राइट, फुटबॉल में इन जगह पे यूज होता है कि जब हम किक करते हैं किसी भी पार्ट को इधर से, तो बॉल विल टर्न अकॉर्डिंगली टू इट्स ऑपोजिट साइड, दिस इज कॉल्ड स्पिन. लेट मी शो यू द एग्जाम्पल. लाइक वाइज दिस पर्सन हिटेड दिस वे एंड दिस बॉल वेंट टू ऑल द वे फ्रॉम दिस. सेम इज विद दिस एग्जाम्पल. इन दिस फोर्स इज अप्लाइड टू द लेफ्ट, लेफ्ट में अप्लाई की थी. दिस इज थर्ड एंड फोर्थ. सो लेफ्ट में अप्लाई की, ये लेफ्ट में अप्लाई की थी एंड इट गोज टू द राइट. वेर एज इसमें क्या किया हमने, हुक में राइट में अप्लाई की तो बॉल गोज टू द लेफ्ट. मैं अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं हम आपको एंड होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. इट इज अ वेरी अमेजिंग वीडियो. सो राइट, जस्ट लेट मी चेक. दैट इज टोटली मेड टू अंडरस्टैंड यू पीपल. यस, दिस इज ओपन. सी नाउ इन दिस वीडियो, जस्ट वॉच इट क्लियरली विद ऑल दीज थिंग्स. सी द हाउ द बॉल गोज इन द गोल. इट इज टोटली हिटन फ्रॉम द लेफ्ट एंड इट गोज इन द राइट डायरेक्शन. ये देखिए एंड दिस इज द वे. ये देखिए, दिस वॉज द स्विंग. दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल स्विंग. ये देखिए, दिस वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल. दिस वॉज द बेस्ट थ्रो. यू कैन अगेन, आई एम प्लेइंग दिस. ये देखिए, ये बॉल आई एंड ये गया. ये दिस इज द कॉल्ड स्विंग, राइट. सो आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट दोस्तों. तो आई होप आप लोगों को हमारा जो आज का टॉपिक है, दैट इज स्पिन, उसके टाइप्स ऑफ स्पिन एंड हाउ इट एम्प्लाइज इन स्पोर्ट्स, तो आप वो सबको समझ आ गया होगा दोस्तों. तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों. अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें. और दोस्तों आप हमारे साथ हमारे पेड ग्रुप पे जुड़ भी सकते हैं. हमारा नंबर है 9868464678, राइट. इस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों, वो क्लियर कर सकते हैं, राइट. सो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही. और आज का हमारा जो लास्ट मोटिवेशनल थॉट है वो रहेगा दोस्तों, तैयारी एक बार की जाती है. कोई यूपी, टीजीटी, DSSSB, KVS, NVS, इन सब के लिए तैयारियां अलग अलग नहीं होती है. फिजिकल एजुकेशन का केवल एक ही सिलेबस है. लोगों से बेवकूफ़ बनना छोड़ दो और अपने एग्जाम की तरफ फोकस करो और एक ही बार जी लगा के तैयारी करो, राइट दोस्तों. तो सत्य फिजिकल एजुकेशन की तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट और अपनी तैयारी को ऐसे ही अग्रसर रखें और दोस्तों अपनी सेहत का ध्यान रखें, ठीक है. आज के लिए हम आपसे अलविदा कहते हैं और विदा लेते हैं. मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में. सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड डे दोस्तों. थैंक यू.